छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा से बागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं के ऑटो की हुई ट्रक से टक्कर, 7 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें ऑटो रिक्शा से बागेश्वर धाम जा रहे ऑटो की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के रहने वाले थे। यह हादसा नेशनल हाईवे 39 पर हुआ है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप लोग? लखनऊ से हैं। क्या घटना हुई थी? सर हम लोग जा रहे थे मोगा से बालाजी। हाँ। तो सुबह में वो ऑटो वाला आया। हाँ। ऑटो के बगल जा रहे थे तो ऑटो वाला ही गाड़ी में टक्कर लगा दिया। कितने लोग थे उस समय टैक्सी में? अरे जैसे 10-12-13 आदमी। बच्चे वगैरह भी साथ में थे क्या? हाँ। अच्छा, आपके परिवार के कितने लोग थे? हमारी 3 बेटी थी और हमारे हस्बैंड थे, यहाँ पे 5 लोग थे। अच्छा, तो सब लोग घायल हो गए? 3 बच्चे हैं आपके? हाँ। बाकी बच्चे यहाँ एडमिट हैं? तो यहाँ एक छोटी वाली को नहीं पता कहाँ एडमिट, नीचे है। नीचे और हस्बैंड को नहीं पता कहाँ एडमिट। सबसे छोटी वाली बच्ची कितने साल की है? 1 साल। उसी का मुंडन करवाने जा रहे थे। मुंडन कराने जा रहे? हाँ। कितनी उम्र है उसकी? 1 साल। क्या नाम है? आश्री। आश्री? आश्री यादव। आश्री यादव। खजुराहो झांसी हाईवे पे एक ऑटो और ट्रक की भिड़ंत में एक दुर्घटना हुई है जिसमें 13 लोग प्रभावित हुए हैं। 7 लोग की मृत्यु हो गई है मौके पे और 6 लोग अभी घायल हैं। 4 लोग को हम अधिक उपचार के लिए ग्वालियर रेफर कर रहे हैं। जो मृत्यु हुई है जिन 7 लोगों की, उनको तत्काल आर्थिक सहायता हम मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान कर रहे हैं एवं घायल लोगों को भी आर्थिक सहायता हम आज ही प्रदान कर देंगे। जो इनके परिजन हैं सबको सूचना दे दी गई है और सभी की आगे की गतिविधियाँ चालू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।